कोई भी फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, www.careerinfovizinstitute.com/form पे जाना है। जैसे ही आपका ये फॉर्म वाला पैनल ओपन होता है, सिर्फ 5 स्टेप में आप कोई भी फॉर्म हमारी मदद से भर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर 7419999228 पर कॉल करके आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं सुबह 9 बजे से लेके 7 बजे तक। और अगर आप कोई शिकायत करना चाहते हैं, कोई फीडबैक देना चाहते हैं, तो careerinfoviz@gmail.com और careerdefensecool@gmail.com पर आप हमें मेल कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ डालना है, आपको अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चूज करना है। आपके बच्चे का जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंगली आप कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है और जेंडर सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, सेकेंड स्टेप में आप जो भी बच्चे का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, एज के अकॉर्डिंगली ये इतने सारे फॉर्म आपका बच्चा भर सकता है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो एग्जाम है वो दिसंबर में होगा, RIMC देहरादून का जो एग्जाम है वो जून में होगा, गुरुकुल कुरुक्षेत्र का एग्जाम 22 मार्च को होगा, बड़े बच्चों का एग्जाम 29 मार्च को होगा, सैनिक स्कूल का एग्जाम 3 जनवरी 2021 में होगा, सेंट्रल हिंदू स्कूल का एग्जाम 6 मई को होगा, स्प्रिंगफील्ड पब्लिक स्कूल का एग्जाम 28 मार्च को होगा और बोसला मिलिट्री स्कूल का एग्जाम 3 मई को होगा। आप कोई भी फॉर्म यहाँ से चूज कर सकते हैं, जो भी फॉर्म आप इंटरेस्टेड है। जैसे आप मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भरना चाहते हैं या जो अभी गुरुकुल कुरुक्षेत्र का फॉर्म आप भर सकते हैं, इसके अलावा सेंट्रल हिंदू स्कूल का फॉर्म भर सकते हैं, स्प्रिंगफील्ड का फॉर्म भर सकते हैं और बोसला मिलिट्री स्कूल का फॉर्म। तो सेकेंड स्टेप में क्या करना है, आपको फॉर्म को चूज करना है। थर्ड स्टेप में आपको ये सारा फॉर्म ऑनलाइन अच्छे से भरना है, सारा फॉर्म, इसमें आपको अपने बच्चे की सारी डिटेल्स भरनी है। और फोर्थ स्टेप में आपको ओके करना है और फिफ्थ स्टेप में आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है। जो भी आप फॉर्म भरना चाहते हैं, जो आपने फॉर्म चूज किए हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको पेमेंट करनी है और आपका फॉर्म ऑनलाइन फिल हो जाएगा। और नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे के सारे डॉक्यूमेंट, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप अपलोड कर सकते हैं, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं, क्योंकि सभी एग्जाम्स में सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते हैं, कुछ ऐसे भी एग्जाम्स होते हैं जिसमें सिर्फ आईडी प्रूफ लिया जाता है बच्चे और माता पिता का और फॉर्म फिल कर दिया जाता है। तो आप कोई भी फॉर्म हमारी मदद से 1000 रुपीज में फॉर्म भरवा सकते हैं। तो मैंने टोटल आपको 5 ऐसे सिंपल स्टेप बताए हैं जिसमें आपको फॉर्म फिल करना है। पहले स्टेप में आपको डेट ऑफ बर्थ चूज करनी है, सेकेंड स्टेप में आपको स्कूल चूज करना है, थर्ड स्टेप में आपको बच्चे की डिटेल डालनी है, फोर्थ स्टेप में आपको बैंक बैंक की डिटेल डालनी है, और फिफ्थ स्टेप में आपको पेमेंट ट्रांसफर करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं किया है, अगर अभी आप स्कॉलरशिप का जो डेट है वो खत्म हो चुका है लेकिन अब आप नेक्स्ट ईयर के लिए एडमिशन करवा सकते हैं, आप स्कूल में डायरेक्ट जाइए, विजिट कीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर एडमिशन करवाइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और एंड्रॉइड ऐप जरूर इंस्टॉल कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।